जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मधुबाला जी के बारे में और जानेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं यह वीडियो। बॉलीवुड की एवरग्रीन अभिनेत्री मधुबाला ने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। मधुबाला का असली नाम मुमताज़ जहां बेगम दहलवी था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें मधुबाला के नाम से जाना जाता है। उनकी अदाकारी और खूबसूरती के चलते उनके लाखों दीवाने थे। बॉलीवुड की एवरग्रीन अभिनेत्री मधुबाला, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे को उनका जन्म हुआ था और उनका असली नाम मुमताज़ जहां बेगम दहलवी था। उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी खूबसूरती भी बहुत प्रसिद्ध थी। 50 के दशक की फेमस एक्ट्रेस बनने के साथ साथ वह सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्री भी थी। मधुबाला की खूबसूरती को देखते हुए उन्हें ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी और वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा जैसे टाइटल भी दिए गए थे। इस बर्थडे एनिवर्सरी पर यहाँ कुछ रोचक जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम अताउल्लाह और माँ का नाम आयशा बेगम था। उनके पिता पहले पेशावर की तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन बाद में वे मुंबई आ गए जहाँ मधुबाला अपने करियर की शुरुआत की। मधुबाला का परिवार मुस्लिम था, लेकिन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का जादू इतना आकर्षित किया कि वह मुंबई चली गई। उनके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण मधुबाला ने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। मधुबाला ने महज 7 साल की उम्र से ही ऑल इंडिया रेडियो में गाने गाकर अपनी पहचान बनाई थी। उनकी गायकी के कौशल को देखते हुए एक अधिकारी ने उन्हें मुंबई जाने की सलाह दी। मुंबई जाकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म में काम किया, जिसके लिए उन्हें 150 रुपए मिले थे। उस समय यह बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसके कारण उन्हें फिल्में नहीं मिली। इसके बावजूद मधुबाला ने हार नहीं मानी और जल्द ही अपने करियर की दिशा बदल दी। मधुबाला ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत दिल्ली में नौकरी करते हुए की। उन्होंने एक 300 रुपए महीने की नौकरी शुरू की। फिर 1949 में उनकी पहली फिल्म दौलत रिलीज हुई, जिसे सोहराब मोदी ने निर्देशित किया था। उस समय मधुबाला की एक्टिंग और खूबसूरती ने लोगों का दिल जीत लिया था और इसका असर विदेशों में भी दिखाई देने लगा। हॉलीवुड से भी उन्हें अभिनय के ऑफर आने लगे थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें हॉलीवुड में काम करने से मना कर दिया था। 1951 में तराना की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच नज़दीकियां बढ़ी थीं। यह नज़दीकी इतनी बढ़ गई कि वे 7 साल तक एक दूसरे के साथ थे, लेकिन एक गलत फहमी के कारण उनका रिश्ता टूट गया। मधुबाला के पिता की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई, जबकि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मधुबाला के पिता ने दिलीप कुमार को अपनी बेटी से शादी करने के लिए शर्त रखी थी, जिसे दिलीप कुमार ने मानने से इनकार कर दिया। फिल्म मुगल आजम की शूटिंग के दौरान उनका रिश्ता खत्म हो गया था और उनके बीच बातचीत भी नहीं होती थी। मधुबाला ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में बहुत समस्याओं का सामना किया। उन्हें करीब 9 साल तक बिस्तर पर बीमार पड़ी रही थी। उनके दिल में छेद था, जिसका भारत में उस समय उपचार करने के लिए उपयुक्त इलाज उपलब्ध नहीं था। उनकी लंबी बीमारी के बाद 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक अद्वितीय अभिनेत्री को खो दिया और उनके प्रेमियों को अपनी प्रिय मधुबाला की याद बनाए रखने के लिए छोड़ दिया। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। SVP बायोग्राफी जीवन परिचय। आपका दिन मंगलमय शुभ हो।